पंद्रह दिनों पंद्रह बात भी हो गई, अगर आज तक उसको गोद में नहीं उठा पाया हूँ। उसके मतलब जो पीछे गोला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी कभी उसमें से हल्का हल्का खून आ जाता है, तो उसके शरीर में खून की कमी भी हो गई है, वो उठ भी नहीं पा रही है, बैठ भी नहीं पा रही, जबकि 15 महीने में बच्चे चलने लगते हैं। अब वो गोले की वजह से जो है वो चिड़चिड़ी हो गई है, सो नहीं पाती है, हर वक्त रोती रहती है, जब एक ही करवट वो लेटी रहती है इससे ज़्यादा परेशान हो जाती है। हम उसको इतना डर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि वो फटने वाला है बिल्कुल, ऐसा बीच से उसको बिल्कुल निशान भी पड़ गए हैं, खून की इतनी कमी हो गई है सर कि वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई है मेरी बच्ची। हम पेंटिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इतना पैसा नहीं कि हम उसका इलाज करा सकें। पिताजी जो है, पिताजी भी 15 दिन पहले पैरालाइज हो गए हैं, मैं उनका इलाज कराऊं कि बेटी का इलाज कराऊं? मैं इतना चाहता हूं कि हमारी बेटी हम बच्चों की तरीके से चलने लगे, फिरने लगे, खेलने लगे। मेरी बच्ची चल फिर नहीं पाती है, जिस तरह हम देखते हैं दूसरे बच्चों को कि हाँ वो चल फिर रहे हैं, हमें भी अंदर से वो एहसास होता है कि मेरी भी बच्ची चले। तो इसी वजह से मैं आप लोग मदद चाहता हूँ, किसी तरीके से उसका भविष्य अंधकार में है, इसीलिए चाहता हूँ कि उसका भी इलाज हो जाए, उसे आम बच्चे की तरीके से खेले कूदे, पढ़ने जाए, स्कूल जाए, उसका भविष्य उज्जवल हो, कल को उसकी शादी होगी, किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी तरीके से मदद कीजिए, हमारी बच्ची का इलाज हो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। आप लोग मदद कर देंगे तो बहुत कृपा होगी।